हेलो बच्चों, तो आपसे वापस से मिलकर बहुत खुशी हुई। होप सो आपकी स्टडी कंटिन्यूसली चल रही होगी। आज हम साइंस पढ़ने वाले थे, तो आज हमारे पास में साइंस का क्लास सिक्स का टॉपिक है फूड फ्रॉम प्लांट्स। देखिए, अगर मैं बात करूँ फूड फ्रॉम प्लांट्स की, सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज एज अ फूड। That particular part which is used as a food, that is called edible part. Okay, edible part क्या होगा? The part of plant which is used as the food. So आज हम बात करेंगे इन्हीं edible part की, कि edible का meaning होता है eatable. याद रखना, edible का meaning क्या होता है? Eatable. So that we can eat. Okay. So that particular part which is eatable, that is known as edible. Okay. नाउ अब हम बात करते हैं एडिबल पार्ट्स में हमारे पास आएंगे कौन कौन से। देखिए, एडिबल पार्ट्स में अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो उसके रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, इवन फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमारे पास में एडिबल होती हैं। अगर मैं बात करूँ रूट्स की, तो रूट्स के अंदर हमारे पास में जो एडिबल पार्ट है दैट इज कैरेट। ओके, और यू कैन से अबाउट कैरेट, और इसके अलावा बाकी के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे पास में क्या है, ये एडिबल पार्ट्स है, मतलब हमारे पास एज ए रूट जो हमारे पास एडिबल पार्ट होगा वो होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अबाउट स्टेम। अब मैं बात करूँ स्टेम की, सो स्टेम के लिए ये फॉलोइंग पार्ट आपको दे रखे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात करते हैं लीव्स की, तो लीव्स आप बहुत सारी चीजें खाते होंगे, जैसे कि स्पिनेच है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोरिएंडर है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से लीव पार्ट है जो हम एडिबल रखते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं फ्लावर की, फ्लावर से याद आया होगा काउली फ्लावर, ब्रोकली, ये एग्जांपल हो गए इसके। इसके अलावा हमारे पास में अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स एज वेजिटेबल, तो हमारे पास में है टोमेटो, ब्रिंजल, दी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, चिली। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गए, एडिबल पार्ट फ्रूट एज वेजिटेबल। ओके, नाउ अब फ्रूट्स की बात करते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स बहुत सारे हैं, फ्रूट्स में आपने पढ़े ही, ठीक है। चाहे मैं बात करूँ आपके पास में ऑरेंज की या मैंगो की, दीज ऑल आर फ्रूट्स। ओके, सो ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं एडिबल पार्ट, तो हमारे पास हो गया एडिबल पार्ट के अलावा अब हमारे पास क्या होगा, एडिबल सीड्स की बात करेंगे हम, राइट। एडिबल सीड्स में आपके पास में बहुत सारे सीड्स हैं जो एडिबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं, जिन्हें कंज्यूम कर सकते हैं इन आर बॉडी। और ऐसे एडिबल सीड्स हमारे पास कौन कौन से, बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूँ सीरियल्स की, पल्सेस की, इवन आपके पास में ऑयल गिविंग जो हमारे पास सीड्स हैं, उन सबके चार्ट आपको दे रखा है। इसके अंदर आपको सारे के सारे एडिबल फूड, मतलब जो सीड्स हैं वो सारे यहाँ बता रखे हैं। अब हमारे पास में प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्लांट प्रोडक्ट पे आते हैं, प्लांट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होंगे, सीरियल्स होंगे। सीरियल्स में हमारे पास बहुत सारे होते हैं, चाहे मैं वीट की बात करूँ, चाहे मेज की बात करूँ, ये सारे सीरियल्स हैं। इसके बाद में हमारे पास आते हैं पल्सेस, पल्सेस में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस हम यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं वेजिटेबल की, ठीक है, वेजिटेबल में हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, फ्रूट्स। फ्रूट्स हमारे पास क्या होंगे, जस्ट लाइक आप नॉर्मल फ्रूट्स कोई से भी हो सकते हैं, ऑरेंज हो गया या मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमारे पास क्या होंगे, स्पाइस बहुत सारे हैं, ठीक है, जो हम गरम मसाले वगैरह जो हमारे घरों में यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल ये है सामने, तो ये स्पाइसेस हम यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ऑयल होता है, ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हुए, आज के लिए इतना हुआ। ये हमारे पास जो आज का पॉइंट था दैट इज फूड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट में प्लांट से हमारे को कौन कौन से फूड्स मिलते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और यू कैन से फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो। ओके, सो बी प्रिपेयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।